हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली आने वाली है और हम सभी के घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश होते हैं, तो हम इनको किस तरह से साफ करें इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक स्टील की भगोनी में आप पानी भर लीजिए जिसमें आपके लक्ष्मी गणेश और चांदी की चीज़ें डूब जाए। ये देखिए, इस तरह से इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये जो इनके ऊपर जो भी काला थी ये सारी हट जाएगी। अब इसके लिए अब हमें जो ट्रिक करनी है वो है फॉइल पेपर। ये जो घर में रोटी बना लगाने के लिए फॉइल पेपर होता है, इसकी हम एक बॉल बना लेंगे और इस बॉल को इस पानी के अंदर डाल देंगे। इस तरह हम दो तीन और बॉल बनाकर पानी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, मैंने डाल दी है। एक बॉल और बना के डालती हूँ। ये मैं इंडक्शन पर कर रही हूँ, आप गैस पे भी कर सकते हैं। इस बॉल को इसमें हम डुबो देंगे। अब इसके बाद हम गैस को या इंडक्शन को चालू कर देंगे। अब मैंने इसे चालू कर दिया है। अब हम इसको इस एल्युमिनियम फॉइल के साथ 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद आप देखेंगे जितना भी इसका कालापन है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चमक जाएंगे। तो चलिए हम वेट करते हैं वाटर के बॉईल होने का और फॉइल पेपर को इनके साथ उबालने का। ये देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरह से हमारे लक्ष्मी गणेश क्लीन होने लगे हैं। मैंने इसमें फॉइल पेपर के अलावा कुछ भी नहीं डाला है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी का कलर हल्का हल्का सा ब्लैक होने लगा है। ये जो ब्लैक कलर की इसमें जो मोतियों में जो आ जाती है डर्ट, वो उसको धीरे धीरे क्लीन कर रहा है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा 10 मिनट उबालने के बाद। और तस्वीरों को इस तरह से जो है पलटेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए पानी का कलर कितना ब्लैक होता जा रहा है, क्योंकि तो इसमें से गंदगी निकलती जा रही है। देखिए तस्वीर कितनी साफ हो गई है। तो देखिए अभी इसको उबालेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें अच्छी तरह उबालने के बाद आप हल्का सा ब्रश भी इसके मार के फिर दोबारा से इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो है लक्ष्मी गणेश को पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम लक्ष्मी गणेश को एक बार पलट भी देंगे ताकि जो है ये अच्छी तरह से और क्लीन हो, क्योंकि नीचे की तरफ से उबाल आता है तो वो जो ये जो मैल है गंदा पन है इसको अच्छी तरह से निकालेगा। देखिए पानी बिल्कुल काला होता जा रहा है, ये देखिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे तरीके से साफ हो गए हैं। अब बस जो आप इनको हल्का सा जो है विम ब्रश में लेके हल्का सा वो इन पर लगाइए, क्योंकि जो अंदर डिजाइनिंग के अंदर जो कोने में थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो ब्रश के हेल्प से जो है बाहर निकल जाएगा। ये देखिए पीछे से भी बिल्कुल ये क्लीन हो गए हैं। तो बस इस पर हल्का सा ब्रश लगाना है विम लगा कर, और उसके बाद इसे पानी से वॉश करके सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी चांदी की चीज़ों को और चांदी के भगवान को जो है अच्छी तरह से जो है साफ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।